योगेंद्र प्रसाद कक्कड़, ट्रस्टी चीफ ट्रस्टी जय श्री कृष्ण मंदिर सेवा समिति जे एंड के यूटी जम्मू, ये महानुभाव पंथ, ये सत्य सनातन धर्म का पंथ है, पंच परमेश्वर की और भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में प्रकट हुए उनके अनुयायियों का ग्रुप है। हमारे पास हमने आज ये तीसरा वार्षिक दिन कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसमें हमने आज की डेट में उधमपुर में दो मंदिर बन रहे हैं, एक तो पुराना था उसको अपग्रेड कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा जो नया है कारवा में मंत मुरलीधर गुरुजी आए हुए हैं, इनको भी हमने 50,000 का चेक दिया है और सरिया भेजा है, उसको कश्मीरी इस्पात को पेमेंट की है, करीबन ₹1.85 लाख है जो आज हमने इनको चेक दिए हैं। ये सारा हमारे ट्रस्टियों की तरफ से इकट्ठा किया हुआ है। हमने पिछले 3 साल से जम्मू में 16 मंदिर हैं, जिसमें से हमने शुरू किया था जब हमारे गुरुजी ने हमें आज के दिन प्रोत्साहित किया था कि ये एक संस्था बनाइए आप, और मंदिर में जितने भी 16-17 मंदिर हैं उनके जो संत महंत मेल फीमेल सीनियर हैं उनकी दवाई और मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए सारा काम आपने देखना है। तो हमारे साथ ये मेरे वाइस प्रेसिडेंट गौतम मेहरा जी हैं और ट्रस्टी 7 ट्रस्टी हैं हम, और राजेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे, ये सेक्रेटरी का काम भी देखते हैं, मैं प्रेसिडेंट का काम देखता हूँ, गौतम मेहरा जी वाइस प्रेसिडेंट का काम देखते हैं। इनके साथ हमारे साथ जो हैं निशांत जंडियाल जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आज बाहर गए हुए हैं, गौतम मेहरा जी भी बाहर गए हुए हैं। तो अरुण भारती जी हैं, वो सेक्रेटरी कैशियर हैं, और उसके साथ 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हमारे, राकेश गुप्ता जी और विशाल भारती जी। ये हमारी संस्था है और इसके साथ हमारे पास 16 मेंबरी और कमेटी है एग्जीक्यूटिव, बाकी सारी जय कृष्णी जम्मू कश्मीर यूटी की जितनी जनता है वो साथ है। हर साल हर मंदिर का वार्षिक उत्सव होता है और सारे धूमधाम से मनाते हैं, मगर हमारा जो इन 3 साल में रहा, एक तो हमने प्रतापगढ़ मल्ले को अपग्रेडेशन किया मंदिर को, जय श्री कृष्ण मंदिर को, उसके बाद कठुआ में अंतिम भूमि जो साधु संतों के लिए बनाई गई थी वहाँ हमारी संस्था ने डोनेट किया और वो कंप्लीट किया, वहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद गंडली मंदिर था विश्नाह के पास, उसको सारा बना कर पूरा ख़त्म करके बनाया है, और इसके बाद आप ये 2 आज मंदिरों का लिया है। तो इस तरह करके आगे भी जो हमारे से होता है हम कैंप करते रहते हैं, मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं।